أشهد أن لا जुनूबी जिला अनंतनाग के अशमुकाम इलाका में मोहकमा जंगलात के कंपार्टमेंट नंबर 22 में आज सुबह अचानक आग नमूदार हुई और आग ने आनन फानन कंपार्टमेंट के वसी रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। जराए के मुताबिक आग जियारत शरीफ हजरत सखी जैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक तक फैल चुकी थी, जिस वजह से मुकामी लोगों में सख्त तशवीश की लहर दौड़ गई और आग को मजीद फैलने से रोकने के लिए मुकामी नौजवानों के साथ साथ फौज, पुलिस और महकमा जंगलात ने मिलकर आग पर किसी हद तक काबू पा लिया। जराए ने बताया कि कंपार्टमेंट में आग के सबब तकरीबन दर्जनों छोटे छोटे सरसब्ज दरख्त जलकर राख हो गए। के ऊपर जो ये ज़ियारत है हमारी सखी जैनुद्दीन वली की, इसके पीछे आग लगी थी, आनन फानन उसने सारा जो यहाँ पे ये पहाड़ी है उसको कवर किया था, मगर हमारे जो जवान हैं यहाँ के यूथ जो है अशमकाम का, उन्होंने भरपूर वहाँ पे मदद किया। उसमें पुलिस डिपार्टमेंट ने भी मदद किया, जो हमारे ऋषि हजरात हैं, ऋषियों के लड़के हैं वो भी आए, हमारे जो शॉपकीपर्स हैं उन्होंने दुकान वहाँ ही छोड़े क्योंकि उनको मोहब्बत है इस दरगाह से और उन्होंने इस दरगाह को इस वक्त बचाया, उन्होंने अपनी जान को खतरे में डाला, उस आग को काबू किया। हम पुलिस डिपार्टमेंट, CRR, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फायर सर्विस डिपार्टमेंट के मशहूर है कि उन्होंने भी भरपूर मदद किया इसमें और हमने ये मुबारक हैं क्योंकि कल यहाँ पे हमारा जो ये है शब अव्वल है वो कल ही है 16 मार्च को, और हमने इसमें जो जवान हैं हमारे इन्होंने सबसे ज़्यादा कोशिश की और उन्होंने आग पे काबू पाया।